हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम बनाने वाले मिक्स वेज बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बनने वाली एक इंस्टेंट करी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। थोड़े से खड़े मसाले डाल रहे हैं, तो 2 से 3 लविंग, 2 छोटी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, उसको हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं। और 1 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरा को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम डाल देते हैं 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, तो आप इसे बराबर चलाते रहें। और जैसे ही इसका रंग थोड़ा सा चेंज होने लगे, आप इसमें ऐड कर दीजिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मैंने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और बढ़िया से इसको भी फ्राई होने देते हैं, ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से फ्राई होने की खुशबू आने लगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। अब हमें टमाटर को बहुत अच्छे से पकाना है, इसलिए हम इसे ढक कर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे और मीडियम आंच पे रखेंगे, ताकि बढ़िया से पक भी जाए और जले ना। अब 2 से 3 मिनट हो जाए, उसके बाद आप देखिए, देखिए टमाटर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पक चुके हैं और पूरा जो ऑयल था वो अलग से छूट के निकल गया है। तो अब बारी आती है मसालों की। तो एक बार आप इसे अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद आप इसमें मसाले डालें। सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। और 1.5 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। अब हमें हल्का सा स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। और इसे हमें अच्छे से भूनना है, मीडियम आंच पे ही रख के हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे, ताकि इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाए। एक बार मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, ताकि जो ड्राई मसाला है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए और हमारी जब वेजिटेबल इसमें डालेंगे तो वो बढ़िया से उसके पूरी तरह से कोट कर ले। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स किया, अब जैसे इसमें उबाल आने लगा, हमने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच गर्म मसाला और 1/4 चम्मच हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं। एक बार और से मिक्स करिए। और इसके बाद हमने जो हमारी जो वेजिटेबल्स है, अलग अलग जितनी भी वेजिटेबल आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है मैंने और उसे छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है। साथ ही 1/2 कप मैंने बीन्स डाली है, 1/2 कप मैंने कैरेट डाली है और 8 से 10 मैंने छोटे से जो है गोभी के फ्लावर डाले हैं। 1/2 कप मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हमने जो पानी डाला था, उस पानी में हमारा जो वेजिटेबल्स है वो भी अच्छे से पक भी जाएगा और पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप मीडियम आंच पे इसे ढक के अब इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पकने दें। बीच बीच में आप इसे ओपन करके हिलाते रहें। अगर आपको लगे कि पानी कम पड़ गया है और सब्ज़ी अभी तक कच्ची रही है, ज़्यादा पकी नहीं है, तो आप थोड़ा सा पानी और उसमें ऐड कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि ये हमारी ड्राई सब्ज़ी है। एक बार और इसे ढक देते हैं और 10 मिनट कम से कम लगेंगे। 10 मिनट बाद देखो, आप पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमारा मसाला है वो पूरी तरह से वेजिटेबल्स पे कोट हो चुका है। और आप चेक कर लें कि सब्ज़ी वेजिटेबल पकी है कि नहीं, तो एक आलू या कोई भी एक वेजिटेबल निकाल लें और इस तरह से आप चेक कर लें। तो देखो, बहुत आसानी से कट रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसे गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बनी है और उतनी ही स्वाद की है, बहुत ही बेहतरीन है। चाहे आप राइस में खाइए इसे, चाहे आप चपाती के साथ खाइए, सबको पसंद आता है। और इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं है, आप इसे डेली रूटीन में भी बना सकते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें।